हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मार्क द इनकरेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग। ये चार रिलेशन दे रखे हैं बच्चों, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी के, तो इनमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा होगा। ओके, तो देखो मोलैरिटी या को नॉर्मैलिटी जो होती है ना, वो एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी होती है। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको ना सभी को सेम यूनिट में ले आएंगे। ओके, सपोज करो हम नॉर्मैलिटी में लेकर के आ रहे हैं। जैसे Al2SO4 होल थ्राइस है बच्चों, सोल्ट है। सोल्ट के लिए आपका एन फैक्टर क्या होता है, या तो मैग्नीट्यूड ले लो टोटल पॉजिटिव चार्ज का, या टोटल नेगेटिव चार्ज का। ओके बच्चों, ओके, तो यहाँ पर ये 3SO42- होगा। ओके, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, आपका 6 यूनिट है। ओके बच्चों, कितना है, 6 यूनिट है, और टोटल नेगेटिव भी 6 ही है बच्चों, तो सेम ही होगा। तो यहाँ पर ये नॉर्मेलिटी कितनी बन जाएगी, 0.5 × 6। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा 3 नॉर्मल। ओके, तो ये तो करेक्ट है। ओके बच्चों, करेक्ट है। ओके, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसी H2SO4 है बच्चों। ओके, एसिड के लिए, ब्रोंस्टेड एसिड के लिए एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसिबल एच प्लस आयंस। तो यहाँ से कितने बच्चों, 2H+ आयंस रिप्लेस हो गए बच्चों, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 3 × 2 = 6 नॉर्मल। तो ये भी करेक्ट है बच्चों, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, फिर ऐसी H3PO4 की अगर हम बात करें, तो इसका, इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयंस कितने हैं बच्चों, 3 है। तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3 नॉर्मल है, 1 मोलर का मतलब है 3 नॉर्मल। ओके बच्चों, कितना, 3 नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, गलत यहाँ पर हो जाएगा। ओके, कट कर दो इसको। फिर है आपके पास में ये, सॉरी, गलत है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, फिर है ये वाला 1 मोलर। ओके बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा 3 नॉर्मल। ओके, Al2SO4 होल थ्राइस है अगेन। ओके बच्चों, तो एन फैक्टर कितना होगा बच्चों इसका, 6। ओके बच्चों, तो 1 मोलर मतलब 6 नॉर्मल। तो ये भी गलत है बच्चों, तो ये हमारा आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।